सोचो कि आप 6 साल की उम्र में सड़क पर माचिस बेच रहे हो, 12 साल की उम्र में पेन्स और वॉलेट्स बेच रहे हो, हर दिन मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत, सुबह शाम हसल, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि 17 साल की उम्र में आप अपना पहला बिजनेस खोलते हो, एक ऐसा बिजनेस जो कि आज पूरी दुनिया में फैला हो, जापान से लेकर सिंगापुर, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया। अगर किसी को भी अफोर्डेबल फर्नीचर खरीदना हो तो सबसे पहले उसे आप ही का नाम याद आता है, आइकिया, इस दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी। कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक स्टोररूम से शुरू हुई कंपनी कॉम्पिटिशन को बर्बाद करते हुए एक दिन वर्ल्ड वाइड फर्नीचर मार्केट को डोमिनेट करेगी। बट इंटरेस्टिंगली शायद ही किसी को मालूम है कि 60 बिलियन डॉलर्स की कंपनी ना तो फर्नीचर बनाती है और ना ही कोई टैक्सेस पे करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिजनेस मॉडल सबको पता होने के बावजूद भी आज तक एक भी ऐसी फर्नीचर कंपनी नहीं बनी जिसने आइकिया को मार्केट के अंदर हराया हो। लेकिन कैसे, आखिर आइकिया ये सब कुछ करता कैसे है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसंस है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1943 में। इंग्वार कैंपर्ट 17 साल का एक लड़का फर्नीचर बेचने के लिए कैटलॉग्स प्रिंट करवाता है। लोग कैटलॉग्स देखते हैं, उन्हें फर्नीचर पसंद भी आता है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है क्योंकि फर्नीचर के प्राइसेस इतने ज्यादा कम थे कि ज्यादातर लोगों को लगा कि ये बस एक फ्रॉड है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इंग्वार फटाफट से अपने पुराने स्टोर रूम को एक फर्नीचर शोरूम के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि लोग अपने परचेजेस करने से पहले फिजिकली आकर फर्नीचर को देख पाए, उसे एक्सपीरियंस कर पाए और उसके बाद खरीदे। एंड गेस व्हाट, इंग्वार के ये करते ही बस कुछ ही दिनों उनके स्टोरूम के बाहर हजारों लोगों की लाइन लग जाती है और ये वो जगह है जहाँ से जन्म होता है आइकिया का। साल निकलते जाते हैं और एक के बाद एक स्टोर खुलते जाते हैं। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आइकिया इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ फर्नीचर, एक ऐसा बिलियन डॉलर एम्पायर जिसके अंदर कई सारे राज छुपे हुए हैं। नाउ एट फर्स्ट आइकिया कम प्राइसेस में क्वालिटी फर्नीचर सेल करने के लिए फेमस है, बट दैट इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि आइकिया इज नॉट अ फर्नीचर कंपनी बल्कि आइकिया इज अ मार्केटिंग कंपनी विद एन एक्सीलेंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। लेकिन सवाल ये है कि आइकिया ये सब कुछ आखिर करता कैसे है। वेल, इस चीज को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 6 साल की उम्र में जब इंग्वार मैच बॉक्सेस बेचा करते थे तो उस टाइम पर स्टॉकहोम में उनकी एक आंट रहती थी जिनसे कहकर वो उनसे मैच बॉक्सेस के पूरे पूरे कार्टन्स मंगवाते थे जिनको बाद में वो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर स्प्लिट करके कस्टमर्स को बेच दिया करते थे और यहाँ से उन्हें प्राइसिंग की पावर का पता चला। बहुत ही कम लोगों को मालूम है लेकिन आइकिया ने अपनी शुरुआत फर्नीचर बेचने से नहीं बल्कि पेन्स और वॉलेट्स बेचने से करी थी। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तब स्वीडिश गवर्नमेंट लोगों के लिए घर बना रही थी जिसको देखते हुए इंग्वार को फर्नीचर मार्केट के अंदर घुसने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। और क्योंकि अब तक आइकिया प्राइसिंग और कॉस्ट दोनों के कंट्रोल को मास्टर कर चुकी थी, सो फॉर देम प्रोवाइडिंग फर्नीचर एट अ वेरी चीप प्राइस वॉज ऑफ नो बिग डील। बट एज आई सेड, आइकिया हमेशा से ही एक फर्नीचर नहीं बल्कि एक मार्केटिंग और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। यू सी, बैक देन जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई और आइकिया ने फर्नीचर मार्केट के अंदर एंट्री ली, उसी वक्त स्वीडन के अंदर कई सारी छोटी छोटी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप हुई थी जो कि बने आइकिया के सोर्सिंग हब्स। एंड टू टॉप इट ऑल, इनिशियली आइकिया सिर्फ एक कैटलॉग प्रिंट करवाती थी और लोगों के घर तक पहुंचाती थी। लोग उसे देखकर अपना ऑर्डर प्लेस करते थे और उसी ऑर्डर को आइकिया छोटे मैन्युफैक्चरर से बनवा कर लोगों के घर तक पहुंचा देता था। अगर आप आज देखो तो वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ 100 पीपल जो कि आइकिया के स्टोर में घुसते हैं, 85 ऑफ देम कम आउट विद अ प्रोडक्ट इन हैंड। लेकिन सवाल यह है कि आइकिया इस चीज को वर्ल्ड वाइड लेवल पर आखिर करता कैसे है। टेक्नोलॉजी आइकिया को बनाने में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। आज की डेट में कंपनीज लुक फॉर कैंडिडेट्स हु आर स्किल्ड एंड अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी, एंड इसी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच द पेस विद द बूमिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डेवलप स्किल्स एंड गेन नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज की डेट में फुल स्टैक डेवलपमेंट काफी ज्यादा डिमांड में है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपस्किल योरसेल्फ ताकि आप एक अच्छी टेक जॉब सिक्योर कर सको। लेकिन द आयरनी इज कि फील्ड बेस्ड स्किल्स हार्डली कोई आपको सिखाता है एंड दिस इज वेयर नॉलेज हट आपके काम आते हैं। नॉलेज हट एक ग्लोबल एडटेक प्लेटफॉर्म है इक्विपिंग वर्ल्ड्स वर्कफोर्स विद स्किल्स ऑफ फ्यूचर। नॉलेज हट ने अपना फुल स्टैक डेवलपर बूट कैंप शुरू किया है, अ प्रोग्राम दैट गारंटीज यू 100% प्लेसमेंट विद एन एवरेज 12 लाख पैकेज। ये प्रोग्राम आपको लेके जाता है फ्रॉम जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस टू बिल्डिंग एप्स एंड गेटिंग प्लेस्ड एट कंपनीज एज अ सॉफ्टवेयर और अ फुल स्टैक डेवलपर। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। दिस इज समथिंग अमेजिंग क्योंकि यहाँ पर आउटकम बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है यूजिंग लाइव ट्रेनिंग सेशंस, ऑटो ग्रेडेड असेसमेंट्स, हैंड्स ऑन असाइनमेंट्स, हैकाथॉन्स एंड अ लॉट मोर। और ये सारी चीजें करवाते हैं मैंग इंस्ट्रक्टर्स, पीपल हु हैव बीन देयर एंड डन दैट। इस प्रोग्राम के अंदर यू गेट टू बिल्ड अ स्टेलर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद पर्सनलाइज्ड करियर कोचिंग एंड डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट। यहाँ पर आप अपनी कोर्स की फीस जॉब लगने के बाद भी पे कर सकते हो और काफी सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं। सो अगर आपको भी ये वैल्यूएबल लगता है देन यू कैन श्योरली चेक आउट नॉलेज हट फुल स्टैक डेवलपर बूट कैंप एंड अपस्किल योरसेल्फ विद नॉलेज हट। नॉलेज हट का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है, गो चेक इट आउट राइट नाउ। सो ये पूरा प्रोसेस इन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। नंबर 1, सोर्सिंग।
Now look at this very very carefully. IKEA कभी भी फर्नीचर खुद नहीं बनाता। IKEA की जो डिजाइन टीम है वो अलग अलग कंट्रीज से इनपुट्स लेती है कि वहाँ के लोगों को आखिर किस किस तरीके का फर्नीचर पसंद है। उनसे ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट होके IKEA की डिजाइन टीम तक पहुंचता है। उसके बाद डिजाइन टीम्स अलग अलग कंट्रीज के प्रेफरेंस डेटा के हिसाब से कुछ डिजाइन तैयार करती हैं, जिन डिजाइन के अंदर थोड़े से आइट्रेशन करे जाते हैं एंड फाइनली एक मास मार्केट फिट डिजाइन को तैयार किया जाता है। आफ्टर दैट ये मास मार्केट डिजाइन जो कि उस कंट्री के प्रेफरेंस के हिसाब से बनाए गए हैं उनको उन कंट्रीज के हेड तक भेजा जाता है। कंट्री हेड्स इन डिजाइन को रीचेक करते हैं। उसके बाद उन पर्टिकुलर डिजाइन से जो फर्नीचर बनना है उसकी एक प्राइस सेट होती है। प्राइस सेटिंग करने के बाद ये डिजाइंस सप्लायर्स को भेज दिए जाते हैं प्राइसिंग के साथ, ताकि सप्लायर्स कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए उनके लिए डिजाइन परफेक्ट प्रॉपर फर्नीचर तैयार करके दे पाएं। अब आता है दूसरा स्टेप एंड दैट इज वेयरहाउसिंग। IKEA अपनी वेयरहाउसिंग के अंडर ये तीन तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। नंबर वन, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल को सोर्स करना। IKEA अपने सप्लायर से जब सारे के सारे माल को सोर्स कर रही होती है तो वो आईवे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। आईवे स्टैंडर्ड्स के अंदर 14 मेजर कंसिडरेशन होते हैं जिसको IKEA देखती है किसी भी सप्लायर से सामान लेने से पहले। अगर वो सारे के सारे कंसिडरेशन फुलफिल नहीं होते तो उस सप्लायर से IKEA सामान नहीं उठाती है। एक बार IKEA ये सामान उठाती है उसके बाद हेयर कम्स द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज डॉकिंग। एंटार्क्टिका को छोड़ के IKEA ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों को सर्व कर रही है, जिसको करने के लिए उनके पास 35 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का काम होता है सारे के सारे सामान को रिसीव करना, उसे हैंडल करना, उसे सॉर्ट करना और आगे डिस्पैच कर देना। नाउ सी हाउ दिस वर्क्स। IKEA का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है बीजिंग शंघाई के अंदर, जिसके थ्रू वो पूरे की पूरी एशियन मार्केट को कैटर करते हैं। एंड इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो ये बीजिंग शंघाई के अंदर खोला गया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर IKEA को ये तीन मेजर एडवांटेजेस देता है। नंबर वन, लो लेबर कॉस्ट। नंबर टू, बिग रियल एस्टेट एंड चीप रियल एस्टेट। बड़ा स्पेस मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिल जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पोर्ट अवेलेबिलिटी। जहां पर बीजिंग शंघाई के अंदर उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला हुआ है उससे बहुत ही पास पोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू वो अपना सारा का सारा सामान बाकी एशियन कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट बहुत आराम से कर सकते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि IKEA जब भी किसी भी नए मार्केट के अंदर एंटर करता है तो वो लोग कभी भी स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं खोलते। इन द वेरी बिगनिंग वो लोग खोलते हैं रिटेल स्टोर्स, और जब उनके रिटेल स्टोर्स में इतनी डिमांड आने लग जाती है उसके बाद उन रिटेल स्टोर्स के 600 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला जाता है, ताकि उनकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और ज्यादा कम हो पाए। जो लेके आता है हमें तीसरे प्रोसेस की तरफ एंड दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास सामान आ जाता है उसके बाद इस सामान को आगे डिस्पैच किया जाता है मिनी वेयर हाउसेस के पास, जहां से ये सारा का सारा सामान जाता है अलग अलग IKEA के रिटेल स्टोर्स पर। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इस पूरे सप्लाई चेन के प्रोसेस के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो IKEA को एक अनबीटेबल कॉस्ट एडवांटेज देती है। नंबर वन, ऑप्टीलेज पैकेजिंग। ऑलमोस्ट हर किसी को मालूम है कि IKEA कभी भी असेंबल्ड फर्नीचर सेल नहीं करता। IKEA का फर्नीचर अलग अलग डिसेंबल्ड पार्ट्स में आता है और आपको उसे खुद असेंबल करना पड़ता है। Now the catch is कि पहले के टाइम पे IKEA इस पूरे के पूरे फर्नीचर पार्ट को स्टोर करने के लिए वुडन ब्लॉक्स का यूज करता था, जो कि बहुत ज्यादा स्पेस भी लेते थे और बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता था। एंड टू सॉल्व दिस IKEA ने अपने फर्नीचर पार्ट्स को स्टोर करने के लिए ऑप्टीलेज रैक्स का यूज करना शुरू किया। ऑप्टीलेज रैक्स पॉलीप्रोपिलीन से बनते हैं, जो कि एक रिसाइक्लेबल मटेरियल है। इसके साथ साथ बहुत ही हल्का होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत ही सस्ता पड़ता है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ऑप्टीलेज पैकेजिंग का यूज करते ही IKEA ने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को 44% बढ़ा दिया, क्योंकि ऑप्टीलेज पैकेजिंग के चलते उनका क्यूबिक ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा बढ़ गया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एक पूरे के पूरे ट्रक जिसके अंदर IKEA का सारा सामान जाता है, उस ट्रक के अंदर जितना स्पेस है सामान रखने के लिए उस पूरे स्पेस को क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि एक क्यूब मीटर के अंदर आखिर वो लोग कितना सामान स्टोर कर पा रहे हैं। जब उन्होंने ऑप्टीलेज रैक्स का यूज करना शुरू किया तो वो लोग 44% और ज्यादा सामान को स्टोर कर पाए एक ट्रक के अंदर। जो लेके आता है हमें IKEA के दूसरे पावरफुल कॉस्ट एडवांटेज की तरफ एंड दैट इज लोकेशन मैपिंग। अगर आप बहुत ही क्लोजली एनालाइज करोगे तो आपको IKEA का कोई भी स्टोर मेन सिटी के अंदर कभी मिलेगा ही नहीं। IKEA के सारे स्टोर्स आउटस्कर्ट्स में खोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज IKEA को ये तीन पावरफुल एडवांटेजेस देती है। नंबर वन, बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है, लार्ज स्पेस। IKEA का सारे स्टोर्स आपको 2 लाख से 5 लाख स्क्वायर फुट के बीच में ही मिलेंगे, उससे छोटे स्टोर्स IKEA खोलता ही नहीं है। नंबर टू, चीप लैंड। IKEA जब भी अपना कोई भी स्टोर खोलता है तो वो लोग लैंड को बाय कर लेते हैं, और आउटस्कर्ट्स के अंदर जो लैंड है वो मेन सिटी से 30-40% डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंगेज्ड एफर्ट्स।
लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के आइकिया के स्टोर जाना पड़ता है क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स के अंदर लोकेटेड होते हैं, और जब लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो इतनी दूर आने के बाद जाहिर सी बात है कि बंदा और ज्यादा टाइम उनके स्टोर में स्पेंड करता है, और जितना ज्यादा टाइम एक इंसान एक स्टोर में स्पेंड करता है उतना ही ज्यादा वो वहां पर अपने पैसे खर्च करता है। और ये सब कुछ होता है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। आइकिया के अंदर एक छोटे से छोटे डेटा को रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाता है फॉर बेटर लोकेशन मैपिंग, क्यूबिक ऑप्टिमाइजेशन एंड डिजाइन ट्रेंड्स। हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि आइकिया फर्नीचर मार्केट को इसलिए डोमिनेट करती है क्योंकि दे सेल चीप, बट यू नो व्हाट, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आइकिया के स्टोर के अंदर घुसने वाले लोगों में से 85% लोग आखिर कुछ ना कुछ खरीद कर ही बाहर क्यों निकलते हैं? वेल, इस चीज का जवाब छुपा हुआ है आइकिया के स्टोर डिजाइन के अंदर। आइकिया का स्टोर डिजाइन कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप एक बार ही आइकिया के स्टोर के अंदर घुस जाओ ना, तो आपकी एग्जिट सीधा आइकिया के ही सेकंड फ्लोर पर होगी। आइकिया का पूरा स्टोर एक मेज की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि यू एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम एंड यू एंड अप बाइंग मोर थिंग्स। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो आइकिया के स्टोर के एग्जिट पर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज रखी जाती है, एंड दैट इज सिनेमन बन काउंटर। लेकिन ये यहीं पर ही क्यों रखा जाता है? वेल, देयर इज अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल रीजन टू इट। स्टडीज में देखा गया कि जब भी हम लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं तो हम लोग सबकॉन्शियसली एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं जो कि हमें थोड़ा सा अनईजी फील करवा रहा होता है। एंड आइकिया के अंदर सारी चीजें बहुत ही सस्ती बेची जाती हैं, तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो भी आइकिया के स्टोर में जाता है वो ओवर बाय कर लेता है, जिसकी वजह से उसका सबकॉन्शियस स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बंद काउंटर्स आइकिया स्टोर्स की एग्जिट पर सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं रखे जाते, बल्कि इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि जब इन बंस की बेकिंग होती है ना, तो जो शुगर की स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा सूदिंग होती है कि वो आपके ये सबकॉन्शियस स्ट्रेस लेवल्स को और ज्यादा कम कर देता है। एंड आप चाहे वो बन खाओ चाहे आप ना खाओ, लेकिन उस स्मेल से आपको एक रिलैक्स्ड फीलिंग आती है, जिसके चलते आपने जो ओवर स्पेंड करके अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ाया है वो कम हो जाता है। यू स्टार्ट टू फील गुड, और आप आगे चलकर भी लोगों को आइकिया के स्टोर के बारे में बताते हो क्योंकि अब आपके पास एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रह गया है। याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 60 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन और 40 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू होने के बावजूद आइकिया हार्डली कोई टैक्सेस पे करती है, और ये आइकिया का एक ऐसा सीक्रेट है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि लीगली बिना कोई टैक्स पे करे कैंपर्ट फैमिली हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने घर लेके जाती है। लेकिन कैसे? वेल, नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। आइकिया के जितने भी सारे स्टोर्स हैं उनको चलाती और कंट्रोल करती है इंका फाउंडेशन। इंका फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट द कैच इज कि इंका फाउंडेशन आइकिया के स्टोर्स को चलाने के लिए आइकिया के ट्रेडमार्क को लेवरेज करती है, और ये ट्रेडमार्क इंका फाउंडेशन लेती है इंटर आइकिया सिस्टम्स से। इंटर आइकिया सिस्टम्स भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। द कैच इज कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऑलरेडी 33% लेस टैक्सेस पे करती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। अब जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इंटर आइकिया सिस्टम्स ये कंपनी भी प्राइवेटली ओन करी जाती है एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स कौन है हार्डली किसी को मालूम है, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके ओनर कैंपर्ट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब होता ये है कि आइकिया के स्टोर्स को रन करने के लिए जो आइकिया का ट्रेडमार्क यूज होता है, उस ट्रेडमार्क के लिए अपने प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा मोटा पोर्शन एज एक्सपेंस इनका फाउंडेशन देती है इंटर आइकिया सिस्टम्स को, और ये सेम चीज इंटर आइकिया सिस्टम्स भी करती है उस प्राइवेटली ओन्ड कंपनी के थ्रू, और सारा का सारा पैसा यहाँ इस कंपनी से मूव करके इंका फाउंडेशन से मूव करके कैंपर्ट फैमिली तक पहुंच जाता है। ऑनेस्टली ये आइकिया के टैक्स ब्रेकिंग सिस्टम्स का एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इन रियलिटी ये पूरा सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू टैक्स आइकिया। और ये सब कुछ लेकर आता है हमें उन पावरफुल बिजनेस लेसन की तरफ जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर वन, गेट योर कस्टमर्स इमोशनली अटैच्ड टू योर प्रोडक्ट। इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो आइकिया के सारे प्रोडक्ट्स DIY है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। आपको खुद वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट असेंबल करना पड़ता है। तरफ ये चीज आइकिया के लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग एडवांटेज लेकर आती है, वहीं पर दूसरी तरफ कस्टमर्स के लिए ये चीज कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर फर्नीचर की तरफ और ज्यादा अटैच कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने की प्रोसेस में जब कस्टमर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो उसके और ज्यादा ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ वो उस प्रोडक्ट से और ज्यादा अटैच हो जाता है। सेकेंड लेसन, वन थिंग नेवर अकाउंट्स टू ऑल। हम सबको ये लगता है कि आइकिया और डीमार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स इसीलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बल्क में बाय कर लेते हैं और सस्ते में बेच देते हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट निकल आता है। बट द रियलिटी इज
कि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है उनके इतने ज्यादा सस्ते बेचकर प्रॉफिट कमाने के पीछे। इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट एडवांटेज और उनकी सेलिंग एडवांटेज के पीछे। जैसे कि आइका के केस के अंदर इट इज सोर्सिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मिलकर आइका को बहुत ज्यादा सस्ता बेचने के बावजूद भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टेट में रखती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कंज्यूमर साइकोलॉजी इज द की टू सेल्स। स्टोर लेआउट से लेकर आइका के डिकॉय प्राइसिंग तक, सिनेमन बन काउंटर से लेकर आइका की स्टोर लोकेशन तक, हर एक चीज का डिसीजन कंज्यूमर की साइकोलॉजी को स्टडी कर लिया गया है। एंड इफ यू डू द सेम इन योर बिजनेस तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।